हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हेयर वी हैव अ रिएक्शन, साइक्लिक ईथर रिएक्ट विथ आरएमजीएक्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। मीन्स हमें इस क्वेश्चन पर आउट फाइंड आउट करना है जब साइक्लिक ईथर की रिएक्शन आरएमजीएक्स साथ करवाई जाती है, तो की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर विद आरएमजीएक्स। का मतलब क्या हो गया बच्चों? ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अब साइक्लिक ईथर का मतलब है यहाँ पे क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये थ्री मेंबर्ड रिंग है हमें दी हुई और इसकी रिएक्शन करवाई है आर एम जी एक्स। ये हमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। मैग्नीशियम मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसी टाइम जो एल्काइल है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, अगर ये ईथर का जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, और उसी टाइम ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अल्काइल आर माइनस है ये इस सी एस टू पे अटैक कर जाएगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर आप सीधे से ऑप्शन भी देख सकते हैं। देखिए, हमें अगर अपने रिएक्टेंट देखेंगे आप, रिएक्टेंट में ईथर और ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, उसमें एक ही आर है, सिंगल आर है, और आप प्रोडक्ट देखिए अपने ऑप्शन में, ए जो ए ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दो आर दिए हुए हैं प्रोडक्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। डी में भी आपके दो आर दिए हुए हैं तो ये वैसे ही गलत हो जाएंगे। एक आर है तो दो आर तो आ ही नहीं सकते प्रोडक्ट में, तो आप ऐसे भी अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आ गया आपका सी एस टू और इस पर है और नेगेटिव, और साथ में आपका एम जी एक्स, तो ये एक सॉल्ट जैसा बन गया, और इस सी एस टू पे क्या आ गया? एक आर। ठीक है, अब एसिडिक वर्कअप हो जाएगा। एसिडिक वर्कअप में क्या हो जाएगा? ये एच प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा? ओ नेगेटिव के साथ। तो ये बन गया आपका सी एच टू आर और इस पे ओ एच, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया फाइनल। तो ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। मैच कर लेते हैं, किसके साथ मैच करता है? तो देखिए, बी में क्या दिया हुआ है? ओ एच, ये आपका सेकेंडरी ओ एच दिया हुआ है, तो ये गलत है। हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन पे वो जुड़ा हुआ है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो बी ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल था, गलत हो गया। सी में देखिए, आर सी एस टू सी एस टू ओ एच, तो ये सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।